तो तुम्हारा स्वागत है एपिसोड 2 ऑफ द सर्वाइवल सीरीज माइनक्राफ्ट की। Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? फर्स्ट एपिसोड जिसने देखा है उन्हें पता होगा कि लास्ट में मेरे पास डायमंड थे, आयरन था, पूरा वो सब क्रीपर के वजह से उड़ गया। अब हम फिर से जाएंगे, क्या पता उधर कुछ रह गया हो उसे कलेक्ट करने। तो चलो कलेक्ट करके आते हैं। हाँ, मिल गया, मुझे सामान मिल गया। डायमंड्स, मेरे डायमंड्स। क्या डायमंड सही सलामत है? बाकी सबके मुझे, हाँ डायमंड सही सलामत है, थैंक गॉड। बाकी सब तो मैं कभी भी कलेक्ट कर सकता था। उधर से जाने का रास्ता है। तो मैं घर पहुंच गया हूँ और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझे उधर से क्या क्या मिला। तो सबसे पहले तो हमें मिला 2 डायमंड, 2 गोल्डन एप्पल, थोड़ा गोल्ड और बहुत सारा आयरन जो मैंने अभी अंदर स्मेल्ट करने के लिए लगाया है वो निकल दे। कब कम से कम 2 स्टैक होंगे आयरन। और आज के एपिसोड में हम क्या करेंगे? आज के एपिसोड में हम थोड़ा इसको बनाएंगे, इसे कवर अप करेंगे और थोड़ा ऐसा माइनिंग जाने का रास्ता बनाएंगे। तो आई थिंक अगले एपिसोड या इस एपिसोड में हम अपना घर बनाएंगे। देखते हैं, सीधा बड़ा घर बनाएंगे या छोटा सा एक स्टार्टर हाउस जैसा करेंगे। चलो देखते हैं। लेकिन अभी पहले मैं और थोड़ा आयरन कलेक्ट करूंगा, इस जगह को थोड़ा अच्छा करूंगा, माइनिंग का एक रास्ता बनाऊंगा अच्छा सा। बस वही है आज का प्लान मेरा। तो मैं थोड़ा माइनिंग करके आया। तो गो। 2 hours later. सो वेलकम बैक। कहेगा तुम्हें क्यों वेलकम बैक कहूँ? मैं भी पागल हो गया हूँ। मैं गया था ग्राइंड में तो तुम्हें वेलकम बैक करके तो खुश नहीं। तुम्हें तो मालूम ही है, तुम लोगों को तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि एडिटिंग की पावर से मैं सब कुछ हटा दूंगा जो भी मैंने ग्राइंड में किया था। तो या वेलकम बैक फॉर मी, नॉट फॉर यू गाइस, सॉरी। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने ग्राइंड में क्या क्या किया। वो ग्राइंड मैंने लाइव किया था यूट्यूब में, तुम अगर चाहते हो तो वो लाइव भी चला के देख सकते हो। बस मैंने अपना ये वीट फार्म है ना थोड़ा बड़ा कर दिया था, अब तो अब ये उधर तक जा सकता है। और मैं थोड़ा माइनिंग में गया था, इधर मैंने थोड़े कॉपर ऑक्सीडाइज होने के लिए रख दिए। और तुम्हें मालूम होगा इधर एक होल था बड़ा सा, बहुत बड़ा होल था, उसे मैंने पूरी तरह से कवर अप कर दिया है। अब इधर अपना बेस बन सकता है बहुत ही आसानी से, ऐसा ही है। और मैंने शुगर केन फार्म भी थोड़ा बड़ा कर दिया है, अब तक वो उधर तक जाता है और ये अब इधर तक भी आता है। तो अपने पास अब शुगर केन भी कमी नहीं है। और मैंने एक माइनिंग टनल भी बनाई है, वो तुम्हें मैं अभी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये तुमने ये मैंने तुम्हें नहीं कहा होगा, लेकिन ये जो है ना ये थोड़ा डग जैसा दिखता है। ये मुझे ही ऐसा लग रहा है या तुम्हें भी लग रहा है, तुम कमेंट करके मुझे बता सकते हो। लेकिन ये एग्जैक्टली एक डॉग जैसे, डॉग डॉग यू नो, डॉग पैक पैक वाला डॉग। तो हम इसे पूरा हो इधर से ऐसे करके एक पूरा डॉग जैसा शेप देंगे किसी एपिसोड में और इसे अच्छा बनाएंगे। तो चलो मैं तुम्हें और भी कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। और मैंने इधर एक अच्छा सा पाथ बना दिया था इन लोगों के लिए। इधर मैं इनको ब्रीड करता हूँ, अब तो इनकी आबादी भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन अभी भी नहीं, मैं इन्हें नहीं मारूंगा क्योंकि अभी भी इनको बहुत बड़ा करेंगे। सीप को मैंने ज़्यादा ब्रीड नहीं किया है, उस उनको भी करना चाहिए। लेकिन अभी तो मैंने सबसे ज़्यादा काउ को किया है और कुछ काउ बाहर निकल गए थे तो उन्हें मुझे मारना पड़ा, सॉरी फॉर दैट। और इधर वीट है इन्हें ब्रीड करने के लिए, ऐसा ही है। अभी मैं तुम्हें अपना माइनिंग टनल दिखाता हूँ, वो मैंने किधर इधर बनाया था आई थिंक। हाँ वो इधर किधर ही आके खुलता था, किधर गया? हाँ इधर इधर, हाँ ये देख सकते हो, इधर से तुम सीधा नीचे जा सकते हो माइनिंग टनल में। पहले तो कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। हाँ अभी तुम इधर सीधे नीचे आ सकते हो। मैं इसे इसे अच्छा कर दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास ब्लॉक नहीं है उतने। हाँ इधर देखो, इधर थोड़ा मैंने माइनिंग किया था, ज़्यादा तो कुछ नहीं, मुझे बस अभी ज़्यादा बस कोल चाहिए। लेकिन कोल ही नहीं मिल रहा है अभी मेरे पास सबसे ज़्यादा कमी कोल की है। हाँ इधर थोड़ा लैपी से मटन किधर से आया मालूम नहीं, इधर थोड़ा ब्लॉक है। हाँ इधर तक माइनिंग की, इधर इधर ऐसे करके माइनिंग कर रहा था मैं। और इधर यही मैंने लाइव में की थी।
और मैं इस माइंड टनल को अच्छा बनाना चाहता हूँ क्या, उसके लिए ना मुझे क्या क्या ब्लॉक की जरूरत है मालूम है? उसके लिए मुझे चाहिए वो क्या कहते हैं, वो फॉरेस्ट में जो मिलता है ना, वो क्या क्या मिलता है वो, हाँ वाइन्स, उस वाइन वाइन्स सॉरी वाइन्स बोलना ही नहीं आ रहा, वाइन्स हाँ, उस वाइन्स की मदद से मैं थोड़ा ना ऐसा इस कॉबल स्टोन के ऊपर थोड़ा मॉसी कॉबल स्टोन लगाऊंगा और इसे थोड़ा बड़ा करूंगा, वो मेरा प्लान है क्या अभी। लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले तो मुझे फॉरेस्ट ढूंढना पड़ेगा, और मुझे मालूम नहीं फॉरेस्ट किधर है, हम आज वही करेंगे। मैंने कहा था तुम्हें मैं अपना घर बनाऊंगा या ऐसा कुछ कहा होगा, मैं भूल भी गया सॉरी, मैं 2 दिन 2 3 दिन के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब मैं लाइव गया था उसके बाद, तो मैं भूल गया तुम्हें मैंने कहा क्या कहा था। लेकिन अभी हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव वही है कि हमें एक फॉरेस्ट ढूंढना है। हाँ अब मैं क्या कह रहा था कि हाँ हमें फॉरेस्ट ढूंढना है ना, उसके लिए सबसे पहले तो एक बेड बनाएंगे, वो उसके लिए हम उधर सीप फार्म में जाएंगे, और तो क्या जरूरत है, खाना भी ले लिया, स्मोकर भी ले लिया, वुड भी ले लिया उसे पकाने के लिए, और यहाँ ग्रास ब्लॉक इसे भी इधर रख देते हैं, ये जरूरत पड़ेगी अगर कभी हमें किधर ग्रास फैलानी होगी तो। और एक बकेट भी बना लिया, थोड़ा सा एरो भी है, हाँ तो चल सकते हैं हम। तो मैं आई थिंक इधर सीधा ही जाऊंगा, देखते हैं कब तक मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। थंडर हो रहा है, और एक एडवांसमेंट है ना उसे अनलॉक करते हैं, चलो उसको ले लेते हैं, वो क्या लाइटनिंग से क्या लाइटनिंग रॉड का क्या एक एडवांसमेंट है आई थिंक, आई थिंक मुझे पक्का तो पता नहीं लेकिन आई थिंक ये। इस पेड़ में ही आग लगाते हैं, चलो चलो देखते हैं क्या इसमें थंडर आएगा। थंडर ब्रिंग द थंडर, अरे ऐसे नहीं मिलता है, अरे वो कैसे मिलता है, ऐसे तो नहीं मिलता। वो एंडरमैन अभी मर रहा है, किधर गया वो, अरे ये किधर से स्पॉन हो गया, नाइट हो रहा है ना, नाइट हो रहा है, नहीं डे ही है, इसकी तो ऐसी की तैसी। तू तो गया बच्चे, तू तो गया, मुझे मारेगा, मुझे मारे, चल मार, मिस कर दिया ब्रो, नाउ यू आर डेड। अच्छा ऐसे तो एडवांसमेंट नहीं मिलता, तो किसी और तरीका से मिलता होगा, हम बाद में देखेंगे, अभी तो इसके लिए माइंड कर देते हैं, और इसको रखो इधर, और चलो अब मैं चलता हूँ फॉरेस्ट ढूंढने के लिए, और कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा तो तुम्हें दिखाऊंगा, नहीं तो बस ऐसे ही जब मैं फॉरेस्ट पहुँचूंगा तभी तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा। सो बाय बाय। और कुछ ऐसा, ओ मुझे विलेज मिल गया, विलेज, आई फाउंड अ विलेज, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बहुत नजदीक है, ये तो बहुत ही मेरे घर बस उधर ही तो है, बस कितना ब्लॉक, बस 200 300 ब्लॉक ही उधर होगा। अरे भाई साहब, हाँ मेरा ब्लॉक, ए ब्लॉक रे सॉरी, मेरा मेरा हाउस कितना, मेरा घर कितना, मेरा घर कितना, बस X 200 और Z 200 प्लस इतना ही था, मतलब कितना, मतलब बस 500 ब्लॉक इधर ही मैं आया और मुझे विलेज मिल गया। तो चलो इस विलेज को पहले थोड़ा लूटते हैं और हम जंगल ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, ये बेड अच्छा लग रहा है, मैं ना ऐसा करता हूँ ना इसको इधर रख के अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देता हूँ। कितने विलेजर हो तुम लोग, मैं तुम में से दोनों दो विलेजर को अपने घर में ले जाऊंगा कभी, तुम्हें अपना गुलाम बनाने के लिए, गुलाम बनाएंगे,
क्या है तुम्हारे पास? अरे बहुत अच्छे अच्छे सा लूट है। अरे थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा लूट है। दो आयरन सॉर्ड, एक चेस्ट प्लेट। अच्छा है, अब मेरे पास इतना आयरन नहीं है। थैंक यू थैंक यू। ये क्या है? ये कौन कौन ये क्या करके गया है? टट्टी करके गया है? कौन है? तुम में से कौन है ये टट्टी करने वाला? सजा मिलेगी उसे, बराबर मिलेगी। और क्या है इस विलेज में? कोई कैरेट पटेटो सैटेटो नहीं है? पम्पकिन नहीं चाहिए कि कैरेट सैरेट है तो बोलो। हाँ मुझे यही चाहिए कि ये जो है ना, ये ब्लॉक मॉसी कोबल स्टोन, मुझे यही बनाने के उधर अपने केव में, इसी से मैं डेकोरेट करूँगा, इसलिए मुझे वाइन्स की ज़रूरत है। इन लोगों को फ्री में मिल रहा है इधर, चुरा के तो ले जा सकता था, लेकिन इतना में इतने इतने से काम भी नहीं होगा, तो चलो विलेज तो ढूंढना ही पड़ेगा जैसे भी। ये दो दरवाजे क्यों? इसके लिए इतनी प्रोटेक्शन चाहिए। कौन इधर क्या इस विलेज का चीफ रहता है? तो सबसे पहले उस चीफ को ही उठा के ले जाऊंगा मैं। तो चलो इस विलेज में तो ज्यादा कुछ नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अपने घर से कम 1000 ब्लॉक दूर आ गया, लेकिन अभी तक मुझे फॉरेस्ट नहीं मिला। मेरी खोज जारी है, जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं खोजता रहूँगा, मिलेगी तो तुम्हें अपने आप मालूम पड़ ही जाएगा। तो चलो फिर से अपनी खोज की तरफ लगते हैं। गाइज 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 गाइज, तुम्हारे लिए एक बहुत खुशखबरी है। मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ ना, उसे देख कर तुम भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया था। ये देखो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया है फॉरेस्ट। मैंने बस तुम्हें उधर ही कहा था कि मेरी खोज अब तक जारी है। बस किधर? बस मैं कम से कम 100 ब्लॉक से इधर आऊँगा। हाँ बस मैंने उधर ही कहा था कि मेरी खोज जारी है, और जब तक मैं इधर आया ये चंक लोड हुआ तब तक मुझे क्या दिखा, मुझे मिल गया है फॉरेस्ट। यस, तो चलो अब इस फॉरेस्ट में जाते हैं, और मैं थोड़ा वाइन लूंगा, थोड़ा आई थिंक हमें क्या करना चाहिए कि हमें वो पैरेट को भी लेकर आना चाहिए अभी, क्या कहते हो? आइडिया अच्छा है ना, लेकिन मेरे पास सीड्स नहीं है। हाँ उधर वाटर मिलन तो मिलता है, अगर उससे सीड्स बन जाता है तो उससे टेम हो जाता है, तो उससे टेम करते हैं दो पैरट्स, और अपने कंधे पर बो के उन्हें दो पैरट्स को लेकर आएंगे। तो चलो मैं तुम्हें फॉरेस्ट में जाकर मिलता हूँ। मैं किधर गिर गया? तो मैं आ गया हूँ जंगल में, मुझे इधर से थोड़ा वाइन लेना है, थोड़ा ट्री का सैपलिंग लेना है, और जो तुम मेरे पीछे देख रहे हो ना बैम्बू, मुझे उसे लेना है थोड़ा, और दो पैरट्स को ले जाएंगे। तब मैं थोड़ा बैम्बू कलेक्ट कर लेता हूँ, इतना बैम्बू बहुत है ना, 8 बैम्बू ना है बहुत है, इसको हम पूरा खेती कर देंगे ना तो बहुत ज्यादा।
सैपलिंग ले लिया, वाइंस ले ली, थोड़ी बैम्बू ले ली, कोको बीन्स ले ले, थोड़ा मेलन साइज मेलन ले लिया। और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं पैरट को भी ढूंढूंगा, लेकिन अफसोस मुझे वो अब तक नहीं दिखा। अब मैं घर लौट रहा हूँ। अगर रास्ते में अगर मैं इस जंगल को अभी और थोड़ा तो एक्सप्लोर करूँगा और उधर किधर मुझे मिल जाता है तो मैं इसे टेम कर लूँगा। अगर नहीं मिला तो हम फिर कभी दूसरी बार आएंगे और तभी हम इसे टेम करेंगे। और ये मैंने क्या देखा, एक सेकंड, पिंक शिप, ओ माय गॉड, इट इज़ वेरी रेयर, ये बहुत रेयर होता है तुम्हारे वर्ल्ड में। काश मैं इसे घर ले जा सकता अगर मेरे पास लीड होता। ये बहुत रेयर होता है, कितना 0 point something चांस होता है इसको तुम्हें अपने ओवर वर्ल्ड में ढूंढने का। इट इज़ वेरी रेयर, हमें ये मिल गया, मतलब हम बहुत लकी हैं अभी। अब मैं सीधा घर ही पहुँच के तुम्हें मिलता हूँ। चलो, अपना घर भी आ गया, सब सामान सही सलामत मैंने लेकर आ गया हूँ। चलो सबको रख देते हैं। एंड आई एम सॉरी गाइस, मुझे पैरट नहीं मिला। अगर जब हम अगली बार उधर जाएंगे ना तो मैं पक्का पैरट को लेके आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एपिसोड नंबर 2 ऑफ माइनक्राफ्ट सीरीज। और तुम्हें ये सीरीज़ पसंद है या तुम्हें इसमें से थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा तो तुम लाइक शेयर यार कॉमेंट